हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज तो अपना टॉपिक है बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप 15 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा सब तो पहला 15वें ग्रुप दे विच केड़े केड़े एलिमेंट्स होंगे हैं वो देख लिए। 15वें ग्रुप दी बेटे आप मेंबर्स दे नाम लिए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਐਂਟੀਮਨੀ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਸਮਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ 2s2 2p3 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ, 3s2 3p3 ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ। ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। यानी जे तुसी इहनू थोड़ा जा माइंड दे विच सेट करना है तो कुछ इस तरीके दे नाल कि NS दे विच दो है यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और अनपेयर किन्ने हैं? तीन। सो पी जड़ा सबशेल है दैट इज हाफ फिल्ड। सो इन दी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करके एक कॉन्फ़िगरेशन जड़ी है एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने करके इन्हां दी जिहड़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा ओ दैट विल बी वेरी हाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि जिहड़ा इन्हां दा साइज है डाउन द ग्रुप ओ इनक्रीज कर रहा है। बेटे इत्थे मैं इक्को ही सेंटेंस दे विच दो अलग अलग गल्लां कही हैं। पहली गल कही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जड़ी है वो स्टेबल होन करके आयनाइजेशन एंथैल्पी जड़ी है वो वध है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी की होंदी है कि जे असी वैलेंस शैल दे विचों कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, हुण क्योंकि इनकी एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होन करके एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इनदे चो एक इलेक्ट्रॉन नू रिमूव करना इज डिफिकल्ट। अच्छा, दूसरी चीज मैं कही है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज वध रहा है। सो एटॉमिक साइज वधन दे नाल की है डाउन द ग्रुप जिहड़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी दी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो जिहड़ी अगली चीज आपां इस ग्रुप दी स्पेशलिटी करनी है वो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे विच बेटे आपां ध्यान च रखना है कि इन्हां दे विच नाइट्रोजन जिहड़ी है वो सारियां तों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बाकियां दी इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जिवें जिवें एटॉमिक साइज वधेगा ओवें ओवें ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिहड़ी है वो घट जाएगी। नाइट्रोजन वाली फैमिली दे जे आपां ऑक्सीडेशन दी गल करिए तां आपां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑक्सीडेशन स्टेट नूं अच्छी तरह समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुसीं देख सकते हो NS2 NP3, मतलब कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल च, ते इन्हां ने जे ऑक्टेट पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पैणगे। सो एज अ रिजल्ट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी। अच्छा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ता है जे 3 इलेक्ट्रॉन गेन किते जांदे है, पर जे आ वाले 3 इलेक्ट्रॉन जिवें कि तुसी जानदे ही हो बेटा कि इन्दे विच एस दे विच ता पेयर है और पी दे विच अनपेयर्ड है। जे आ तीनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग च पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हों आप कोवेलेंसी कह दें तो कोवेलेंसी इज +3, ठीक है। और जिहड़े हायर मैंबर्स हैं जिथे डी जिहड़े है वह वेकेंट पे है तो इथों की एस के विचों की अनपेयर होकर डी इलेक्ट्रॉन भी डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग च, तो उत्थे 5 अनपेयर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी है वो पॉसिबल हो सकती है। जिवें फॉस्फोरस के केस च 3s2 3p3 है ग्राउंड स्टेट दे विच तो कोवेलेंसी 3 बन गई, तो कोवेलेंसी 3 दे अकॉर्डिंगली PCl3 जिहड़ी है इनकी एक एग्जाम्पल है। एक्साइटेड स्टेट च की होएगा, आ वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिहड़ा है ये खाली पाए हुए डी सबशेल दे विच चला जाता है, तो जिहड़ी कोवेलेंसी है हुण 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने करके कोवेलेंसी 5 हो गई। सो फॉस्फोरस जिहड़ा है वो PCl5 भी बना सकता है। सो इस इनफॉरमेशन दे आधार ते अपने कोले दो मेन क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो है कि टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप,
बेटे इनका उत्तर तो सीधा क्लियर ही है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज वधन करके ते मेटालिक करैक्टर जड़ा है वो भी डाउन द ग्रुप वधदा है। बिस्मत बिल्कुल ही मेटालिक है। सो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर वधन करके जड़ी इलेक्ट्रॉन गेन करन दी टेंडेंसी है वो घट जाएगी। सो माइनस थ्री जड़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट ए डाउन द ग्रुप इन दी टेंडेंसी जड़ी है वो घट जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के सानू समझ आती है कि प्लस थ्री ते प्लस फाइव दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकदियां हैं, मतलब प्लस थ्री ते प्लस फाइव आर द जनरल कोवेलेंसी। पर जिदा जिदा डाउन द ग्रुप जाने हैं ना प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, प्लस फाइव के मुकाबले प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटे इनका उत्तर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की चीज होंगी है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होंदा है कि आप जदों भी ये देखते हैं कि NS2 NP3 या इत्थे जिहड़ा हाँ पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर होंदा है ता जिहड़ी कोवेलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वह हायर हो जाती है। हुण जिदा जिदा ग्रुप च आप थले वल जाने हैं तो साइज वड्डा हो ही जाता है। साइज वड्डा होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस का बाहर तक प्रभाव घटी जा रहा है। सो एज अ रिजल्ट जिदा जिदा नीचे वालों आप जावांगे जिहड़ा आह पेयर है इस पेयर दी बॉन्डिंग च भाग लैण दी यानी ऑक्टेट नू एक्सटेंड करन दी पार्टिसिपेट करन दी कैपेसिटी घट जाती है, मतलब रिलक्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट करके डाउन द ग्रुप जे आप नाइट्रोजन तो जाने हैं नाइट्रोजन तो बिस्मथ वल तो आप देखते हैं कि बिस्मथ दी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है प्लस फाइव दे नालों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट का असली रीजन यही बनया ना कि इसे एस इलेक्ट्रॉन्स ने भाग नहीं लिता। सो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ता ही स्टेबल हुई, नहीं तो प्लस फाइव हो जानी सी। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट करके बिस्मथ दे जिन्ने भी कंपाउंड है ना बिस्मथ जिवें बी आई सी एल थ्री है बी आई सी एल फाइव दे विच्चों इन्हां दोनों दे विच्चों आ चीज ज्यादा स्टेबल होएगी क्योंकि इत्थे इनर्ट पेयर इफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। अपना अगला क्वेश्चन है कि जिहड़ा नाइट्रोजन है वह बाकी ग्रुप 15 दे मैंबर्स नालों एनोमलस यानी वखरा बिहेवियर शो करता है ते की कारण है इस चीज का। सो रीजनस केड़े-केड़े है एनोमलस बिहेवियर दे। पहली चीज है कि नाइट्रोजन का साइज पूरे ग्रुप दे विच्चों सब तो छोटा हुंदा है, इनकी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी सब तो ज्यादा हुंदी है, इनके विच्चों दी जे एक इलेक्ट्रॉन कढ़ना है यानी इन आयनाइजेशन एंथैलपी बहुत ज्यादा हाई हुंदी है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पैंदी है ता एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। सो इट हैज गॉट एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैलपी। अगली जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इनके विच 2d ऑर्बिटल्स नहीं होंगे यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स जिस करके ये अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता। उसके बाद है कि इनके कोल एक विलक्षण काबिलियत होंगी है, वो काबिलियत है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। इनके विच एक होर इन अबिलिटी है, वो इन अबिलिटी है टू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पर इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जबकि फॉस्फोरस एज टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल पी फोर की शक्ल च एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि बेटा जी कि नाइट्रोजन दे विच 2p ऑर्बिटल हुंदे हैं, 2p इफेक्टिवली ओवरलैप कर लैंदे हैं जिस करके पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनती है ते एज अ रिजल्ट जिहड़ा नाइट्रोजन है वो दूसरे नाइट्रोजन एटम दे नाल तीन बॉन्ड बना लैंदा है, मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है ते N2 मॉलिक्यूल कुदरत दे विच एज सच एग्जिस्ट करदा है। पर फॉस्फोरस दे केस च की हुंदा है कि 3p ऑर्बिटल हुंदे हैं फॉस्फोरस च जेड़े की लार्ज साइज होन करके
एक दूजे नाल प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाते ते एज अ रिजल्ट उत्थे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन पाता। उत्थे जिहड़ा ओवरलैप है वह सिंगल बॉन्ड वाला बनता है, सिगमा बॉन्ड वाला बनता है, ते चार फॉस्फोरस दे एटम्स जिहड़े है वह आपस च सिंगल बॉन्ड्स नाल जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N2 जिहड़ी है वह रूम टैंपरेचर ते इनर्ट क्यों है, मतलब नाइट्रोजन किसे नाल रूम टैंपरेचर ते रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि नाइट्रोजन दे विच एक मॉलिक्यूल च दो एटम्स है जो कि आपस दे विच तीन बॉन्ड्स दे नाल जुड़े हुए हैं। सो ट्रिपल बॉन्ड नू तोड़ना बहुत ही मुश्किल हुंदा है, हाई डिसोसिएशन एंथैल्पी होने करके इनू तोड़ना मुश्किल हुंदा है। सो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक नाइट्रोजन एटम रिएक्ट किदां करेगा? सो इस स्ट्रोंग बॉन्ड करके N2 रूम टेंपरेचर ते इनर्ट रहिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन दे केस च कैटिनेशन दी टेंडेंसी घट क्यों हुंदी है? बेटे कैटिनेशन हुंदी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, उनू आपां कहने हैं कैटिनेशन, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन दे नाल ही लगातार सिंगल बॉन्ड बनाई जावे उन्हों आपा कहने हैं सेल्फ लिंकिंग यानी कैटिनेशन। हुन सवाल यह पैदा होंदा है कि नाइट्रोजन दे विच कैटिनेशन दी टेंडेंसी है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जी इन्दे च जिहड़े लोन पेयर है जिन्हों आपा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहने हैं उन्हां दे विच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जिहड़ी है ना वो काफी ज्यादा हाई होंगी है क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी बॉन्ड लेंथ है वो काफी घट होंगी है। सो एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन दे विच कैटिनेशन दी प्रॉपर्टी टेंडेंसी घट है, पर फॉस्फोरस दे केस च ये थोड़ी जी ज्यादा होंगी है कैटिनेशन दी टेंडेंसी, क्योंकि उत्थे एक स्टेबल पी सिंगल बॉन्ड पी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें ग्रुप दे एलीमेंट हाइड्रोजन नाल किवें रिएक्ट करदे है? 15वें ग्रुप दे जिहड़े एलीमेंट्स है बेटा हाइड्रोजन दे नाल रिएक्ट करके ओ NH3 PH3 ASH3 SBH3 ते BiH3 जिन्हां नूं आपां अमोनिया फॉस्फीन आर्साइन स्टिबाइन ते बिस्मुथाइन कहने हैं ये फॉर्म करदे है। सो इन्हां दा जनरल फॉर्मूला होया MH3 M कैन बी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सैनिक एंटीमनी बिस्मथ। इन्हां दी जिहड़ी शेप है वह ट्राइगनल पिरामिडल हुंदी है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुंदी है, एक लोन पेयर इनके कोले मौजूद हुंदा है। सो जिहड़ा लोन पेयर है ना इनकी खासियत यह है कि अमोनिया या बाकी सारे जिन्हें भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 दे कैन डोनेट दिस लोन पेयर टू सम मेटल एटम हैविंग empty or vacant d orbitals. So this ammonia acts as ligand. Hun apa inna hydrides ya kuch properties nu compare karde ha te unde accordingly questions puchde ha aggo. Hydrides se based pehla question hai ki inna di thermal stability da order e wala kyon hunda hai? Matlab ammonia sab to zyada thermally stable hai पर जिहड़ा बिस्मथाइन है ये सब तो घट स्टेबल है। तुसी थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब इत्थे जिवें लिखिया ही होया है देख सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हुंदा है कि जदों किसी चीज़ नूं गर्म करते हैं तो यह किन्ना क समा लैंदी है डीकंपोज होण नूं, मतलब बॉन्ड टुटण नूं किन्ना क समा लगता है। सो थर्मल स्टेबिलिटी इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब की होया कि जिदा इन्ह सारियां दे विचों अमोनिया जिहड़ी है सब तो ज्यादा थर्मली स्टेबल है, यह सब तो घट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनका साइज नाइट्रोजन का सब तो घट है ते बिस्मत का साइज सब तो वध है। जो तो बिस्मत का साइज वड्डा हो गया तो हाइड्रोजन दे नाल हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, इन्हों दोनों की जिहड़ी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी होगी कंपैरेटिवली घट होएगी। अमोनिया दे विच बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होएगी, एज अ रिजल्ट माड़ा जा गर्म करांगे दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। सो आपा कहांगे कि ये थर्मली अनस्टेबल है, इनू गर्म करांगे तो इन्हें टूट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई बिस्मथाइन इज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट दैन अमोनिया। जिहड़ा रिड्यूसिंग करैक्टर है ना, मतलब किसी होर नू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, इट इनक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी घट गई। आपां ये चीज याद रखनी है
कि चाहे अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है पर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट BiH3 है। कारण की है कि इनके विचों हाइड्रोजन ईजीली निकल सकती है जबकि अमोनिया दे विचों हाइड्रोजन ईजीली नहीं निकल सकती। अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है पर रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड है, हल्का जाइए, जबकि BiH3 इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बेस, ये हल्का जा बेस है पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कारण की है कि BiH3 दी जिहड़ी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना वह घट है, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी घट है, इस करके BiH3 इज अ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज पहले अपना इन्हों की बेसिक स्ट्रेंथ की ही गल हो रही है ना वो कर लिए, फिर आप इन्होंने बॉयलिंग पॉइंट्स से बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करांगे। सो अपना क्वेश्चन ये है कि 15वें ग्रुप के जड़े हाइड्राइड्स हैं वो सारे लुइस बेस या लिगेंड की तरह काम क्यों करते हैं। बेटा लुइस बेस चीज की होंगी है, लुइस बेस होंगी है कोई भी अजिही चीज जो अपना इलेक्ट्रॉन जड़ा है वह दान कर दे, जिन्हें को लोन पेयर अवेलेबल हो फॉर डोनेशन उन्होंने आप कहने लुइस बेस या उन्होंने लिगेंड भी कह दें। हम जिन्ने भी तुम देख ही सकते हो कि जिन्ने भी हाइड्राइड्स हैं उन्होंने सारे को लोन पेयर तो है, पर लोन पेयर दान करन दी जिहड़ी टेंडेंसी है वह सब तो वध अमोनिया च है। क्यों? क्योंकि जिदा जिदा हेठा वाल नू जाना है एटॉमिक साइज जिहड़ा है वह वधदा जाएगा, सो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर छोटी जी जगह पर नाइट्रोजन च प्रेजेंट है, इत्थे जगह वध गई, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिहड़ी है ना घटी जा रही है, साइज वध रहा है ते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन द ग्रुप घट रही है, जिस करके अमोनिया जिहड़ा है मोस्ट बेसिक है। बेटा इत्थे मैं दोबारा दोबारा इको लाइन रिपीट कर रही है, वो ये है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इन्दे च इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पर जिहड़ा बिस्मथाइन है BiH3 है इस स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिहड़ी है वह घट है। नेक्स्ट जिहड़ा क्वेश्चन आ जाता है अपने कोले दैट इज बॉयलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन आना है कि बॉयलिंग पॉइंट्स जे देखिए तो उन्होंने ऑर्डर कुछ इस तरीके नाल होएगा। एज यू कैन सी कि फॉस्फीन का जिहड़ा बॉयलिंग पॉइंट है वह अमोनिया दे नालों घट है, कारण बाकी जिदा जिदा यह डाउन द ग्रुप आपा जा, ठीक है, पर अमोनिया दे केस च बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा है। कारण की है इसका? अमोनिया दे विच नाइट्रोजन दी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव हो जाती है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होन करके इनका बॉयलिंग पॉइंट हायर होएगा। फॉस्फीन दे विच फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जिस करके इनका इनके विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनन करके इनका बॉयलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। पर जिदा जिदा आप ग्रुप च नीचे जाने हैं साइज वड्डा हो जाता है, साइज वड्डा हो गया जे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, तो उन्निया ही वेंडरवॉल फोर्सिस वध जाएगियां, जिन्निया वेंडरवॉल फोर्सिस वध जाएगियां उन्ना ही बॉयलिंग पॉइंट वध जाएगा। सो आप इस चीज नूं ध्यान च रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो फॉस्फीन नू पानी चो लंघाने तो बुलबुले बनते हैं, पर जो अमोनिया नू पानी चो लंघाने तो बुलबुले नहीं बनते। कहने मतलब यह है कि फॉस्फीन पानी च घुलती नहीं पर अमोनिया पानी च घुल जाती है। बेटे एक चीज हमेशा याद रखो कि जो आप कहना ना कि कोई भी चीज पानी च घुल गई, इन्ना मतलब यह है कि जिहड़ी चीज घुली है उन्हें पानी के नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, ठीक है। फॉस्फीन क्यों नहीं घुली? क्योंकि उन्हें पानी के नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाई। सो आप इन देखिए जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटे जो तुम चाहो तो प्लस वन क्लास के वीडियो अपलोड किया हुआ है कैमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उन्हें जो तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ सकते हो। सो हेयर आप चीज देखते हैं कि अमोनिया दे विच नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनैगेटिव होने करके इनके ते पार्शियल नैगेटिव चार्ज है और इन हाइड्रोजन के उत्ते पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सो जिहड़ी अमोनिया दी पार्शियल नैगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है ये वाटर दी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन दे नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ही अमोनिया जिहड़ा है वह वाटर दे विच सॉल्यूबल हुंदा है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजन्स। जदों ग्रुप 15 एलिमेंट्स की हैलोजन नाल रिएक्शन कराई जाती है ता दो तरह के हैलाइड बनते हैं, एक तो होंगे MX3 और दूसरे होंगे MX5। जिहड़े MX3 है इन्हां दी शेप होंगी है पिरामिडल और जिहड़े MX5 है इन्हां दी शेप होंगी है ट्राइगनल बाय पिरामिडल SP3 हाइब्रिडाइजेशन होंगी है, SP3D हाइब्रिडाइजेशन होंगी है, जिवें कि इत्थे PCl5 का स्ट्रक्चर तुसी देख ही सकते हो। सो इन्दे ते आधारित अपने कोले कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिवें पहला क्वेश्चन ये आंदा है कि PCl5 दे विच सारे बॉन्ड बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा जिहड़ियां इक्विटोरियल पोजीशंस है आ वालियां इक्विटोरियल जिहड़ियां क्लोरीन्स है ते एक्सियल क्लोरीन्स है इन्हां दे विच रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंदियां, रिपल्शंस करके जिहड़े एक्सियल बॉन्ड है ये फारदेस्ट पॉसिबल जगह एक्वायर करते हैं ताकि रिपल्शंस ना हो। सो फारदेस्ट जान दे चक्कर च जिहड़ियां आ बॉन्ड लेंथ है ये इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ दे नालों लंबियां हो जांदी है। दूसरा जिहड़ा मेन इत्थे सवाल आंदा है वो आंदा है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है पर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा इन्हां आंसर तुहानूं आना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन दे विच डी ऑर्बिटल नहीं होंदे, सेकेंड शैल है ना नाइट्रोजन दा वैलेंस शैल, तो 2d तो होंदा ही नहीं। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन दे विच डी ऑर्बिटल ना होने करके ये अपना ऑक्टेट एक्सटेंड ही नहीं कर सकता, पर फॉस्फोरस दे विच डी ऑर्बिटल्स होंदे हैं तो उनके जिहड़े एस का पेयर है वह डी दे विच जाके अनपेयर हो सकता है, सो अपना ऑक्टेट नू एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए PCl5 जिहड़ा है बनता है पर NCl5 नहीं बनता। नाइट्रोजन दे पेंटाहैलाइड्स और ट्राईहैलाइड्स दे विचों दी जे देखा जावे तां पेंटाहैलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट होंदे हैं। क्यों कोवेलेंट होंदे हैं? क्योंकि फाजन रूल दे अनुसार जिन्ना कोई साइज कटायन दा छोटा है या जिन्ना कटायन दे उत्ते ज्यादा चार्ज है तां बॉन्ड जिहड़ा है मतलब आयनिक बॉन्ड दे विच भी कोवेलेंट करैक्टर उन्ना ज्यादा आ जाएगा। सो पेंटाहैलाइड्स दे विच जिहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है कटायन दी वह ज्यादा होंदी है +5 होंदी है, सो सेंट्रल एटम दे उत्ते हायर चार्ज होन करके हाई चार्ज डेंसिटी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी, एज अ रिजल्ट फाजन रूल दे अनुसार ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होएगा। इसे तरीके दे नाल जे आपां ब्रोमाइड्स दा कंपैरिजन करिए क्लोराइड्स दे नाल तां ब्रोमाइड्स जिहड़े आ ज्यादा कोवेलेंट होणगे, क्यों? क्योंकि फाजन रूल दे अनुसार जिन्ना ज्यादा साइज ऑफ अनायन होएगा उन्ना ही कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होएगा क्योंकि अनायन दी पोलराइजेबिलिटी उन्नी ज्यादा हो जाती है, सो आयनिक बॉन्ड दे विच उन्ना ही ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा। बेटा इन्दे लिए भी +1 दे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर दे विच प्लेलिस्ट दे विच एक वीडियो है जिंदे च तुसी फाजन रूल जिहड़े हैं वो पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रोजन दी प्रेपरेशन किवें किवें हो सकती है। बेटा जे तो तुहानूं पुछा जांदा है कि कमर्शियली किवें बनाओगे यानी व्यापारिक पद्धर ते तां हवा दी जिहड़ी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो फिर उसके बाद उन्हें लीक्विफाई कर लो तां जिहड़ा आपां नूं मिलती है नाइट्रोजन। जे आपां लैबोरेटरी च बनानी है तां थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट नूं हीट करांगे तां नाइट्रोजन बन जाएगी। इसे तरीके नाल ही बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड दी थर्मल डीकंपोजिशन दे नाल भी नाइट्रोजन मिलती है, और इसे तरीके दे नाल एक जे आपां एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड नू सोडियम नाइट्राइट नाल ट्रीट करते हैं तां भी आपां नू नाइट्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस दीआं प्रॉपर्टीज की कुछ होंदी है। सो नाइट्रोजन गैस कलरलैस, इनका कोई रंग नहीं होंदा, अडोरलेस, इनकी कोई स्मेल नहीं होंदी, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होंदा, एंड नॉन टॉक्सिक। बेटा हवा दे विच भी ये मौजूद है ना, तो ये कोई जहरीली गैस नहीं है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस पानी दे विच बहुत घट सॉल्यूबल है और इनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉयलिंग पॉइंट भी काफी लो होंदा है। नाइट्रोजन गैस रूम टेंपरेचर ते किसे नाल रिएक्ट नहीं करती, सो इट इज इनर्ट एट
रूम टेम्परेचर। अदरवाइज जे देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस मैटल्स के नाल रिएक्ट करती है, चाहे लिथियम है चाहे मैगनीशियम है, तो मैटल्स नाल रिएक्ट करके आयनिक नेचर के नाइट्राइड बनाती है। सो नाइट्राइड का बेटे थानू मैं सिंपल वैलेंसी तुहाडे याद रखन दे लई एन थ्री नैगेटिव है, ओके। पर जे यही हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करे तो अमोनिया बनता है जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे नाल किवें रिएक्ट करती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है ते होर भी ऑक्साइड्स बनाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन दे यूजेस केड़े केड़े हैं। बेटा नाइट्रोजन दे मेन यूजेस दे विच है कि जिथे भी किते इनर्ट एटमोसफेयर चाहिए है ना, चाहे वह चिप्स के पैकेट्स के अंदर ही हो, जिथे रेंसिडिटी ऑफ फैट्स रोकनी है उत्थे नाइट्रोजन नू फिल किया जाता है। दूसरा नाइट्रोजन अमोनिया ते होर कई इंडस्ट्रियल कैमिकल्स दी प्रिपरेशन दे विच इस्तेमाल कीती जांदी है। लिक्विड नाइट्रोजन जिहड़ी है वो एज रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कीती जांदी है, जिंदे च काफी बायोलॉजिकल मटीरियल्स और फूड आइटम्स जिहड़े हैं स्टोर कीते जांदे हैं, प्रिजर्व कीते जांदे हैं। नेक्स्ट है कि अमोनिया दी प्रिपरेशन किवें कीती जांदी है। बेटा ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि अमोनिया दी प्रिपरेशन हैबर प्रोसेस च हुंदी है। दो पाइपां दे विच्चों एक दे विच्चों नाइट्रोजन और एक दे विच्चों हाइड्रोजन एंटर कराई जांदी है एट अ वेरी हाई प्रेशर, और टेंपरेचर जिहड़ा है वह कंपैरेटिवली लो रखा जाता है। ते कैटलिस्ट जिहड़ा आयरन ऑक्साइड की वरतों की जाती है, ते प्रमोटर जिहड़ा मोलिब्डेनम लै लिता जा सकता है या K2O या Al2O3 लिता जाता है ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए। और अमोनिया जिदा बनती है उदा ही इनू रिमूव कर दिता जाता है ताकि फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच रिएक्शन कंटिन्यू हो जाए। अमोनिया दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज है वो मेन ये है कि अमोनिया वीकली बेसिक है, क्यों? जो अमोनिया ने पानी च घुलना है तो OH आयन प्रोड्यूस होने हैं, जिस करके यह एज अ बेस रोल प्ले करती है। सो अमोनिया दी जिहड़ी अगली खासियत है ना कि अमोनिया कैन एक्ट एज लिगेंड। सो ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि जदों लिक्विड अमोनिया नू मेटल आयन्स दे नाल रिएक्ट कराया जाता है तो डीप ब्लू कलर दे सोल्यूशन बनता है। इन द रीजन की है डीप ब्लू कलर का, एक्चुअली जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे है ना, अमोनिया चो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वी अमोनीएट हो जाते हैं। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो इलेक्ट्रॉन भी अमोनीएट हो जान करके इन सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। अमोनिया के जिहड़े फायदे हैं, यूजेस कितने कितने वो इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली गल फर्टिलाइजर बनाने च, दूसरा रेफ्रिजरेंट के तौर पर, और तीसरा इनऑरगैनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जिमें कि नाइट्रिक एसिड नू बनाने दे विच भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन का अगला कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड HNO3। इनकी प्रिपरेशन की जाती है जो आप KNO3 या NaNO3 H2SO4 के नाल हीटअप करते हैं तो अपने को नाइट्रिक एसिड बन जाता है। कमर्शियली इनू ओस्टवाल्ड प्रोसेस दे नाल बनाया जाता है, जिंदे तीन स्टेप होंगे। पहले स्टेप दे विच अमोनिया दी ऑक्सीडेशन करके NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है प्लैटिनम रोडियम गॉज दे उत्ते एज अ कैटलिस्ट, 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर। दूसरा स्टेप है कि NO जड़ा है वो फिर ऑक्सीजन नाल कंबाइन करके NO2 बनाता है, और तीसरे स्टेप दे विच NO2 कंबाइन्स विद वाटर टू फॉर्म HNO3 प्लस NO जड़ा कि दोबारा फिर सेकंड स्टेप दे विच रीसाइकल कर लिता जांदा, इस्तेमाल कर लिता जांदा। आपां जदों HNO3 नू प्यूरीफाई करना है तो इनू आपां कंसनट्रेटेड H2SO4 की मदद नाल कर लें। इन्दे विच काफी हद तक वाटर दियां ट्रेसिस होंदियां जिन्हों आपां कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करके रिमूव कर दें। सो HNO3 दियां प्रॉपर्टीज, HNO3 एक स्ट्रोंग एसिड है। स्ट्रोंग एसिड मतलब जदों इनू पानी च पावांगे तां प्रोटोन रिलीज करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। जिहड़ा कंसनट्रेटेड HNO3 है वह एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑलमोस्ट सारिया मेटल्स नू अटैक करता है, पर गोल्ड प्लैटिनम नू ये डिसॉल्व नहीं कर पाता। ऑक्सीडेशन जिहड़ी है वो डिपेंड करती है कि
कंसंट्रेशन एसिड दी किन्नी है, टेम्परेचर किन्ना है, या केड़े मटेरियल दे उत्ते कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पाया जा रहे। जिस तरह कॉपर दे उत्ते जे आपां डल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 पाने हैं तां कॉपर नाइट्रेट तां बनना ही बनना है, पर नाइट्रिक ऑक्साइड या NO2 ए फर्क पै जांदा है। इसे तरह जिंक दे केस दे विच जिंक डाइल्यूट दे नाल रिएक्ट करके NO बना रहा है और कंसंट्रेटेड दे नाल रिएक्ट करके NO2 बना रहा है। कुछ मेटल्स जिहड़ियां हैं जिवें क्रोमियम ते एल्यूमीनियम एक कंसंट्रेटेड HNO3 दे विच भी डिसॉल्व नहीं हुंदियां। क्यों? क्योंकि इन्हां दी परत, इन्हां दी सरफेस दे उत्ते एक ऑक्साइड दी परत बन जांदी है जो कि HNO3 नूं जिवें एल्यूमीनियम दा आपां टेबल्स दे उत्ते टॉप बनिया होया देखदे हैं ते उत्ते HNO3 जे गिर जावे ना तां फर्दर रिएक्ट नहीं करदा। क्यों? क्योंकि एल्यूमीनियम दा ऑक्साइड बन जाना है जिने एल्यूमीनियम दे टेबल उत्ते एक परत बना लैनी है और उस परत नूं HNO3 पियर्स नहीं कर सकदा। इनू आपां कहिंदे आ पैसिवेशन। कंसंट्रेटेड HNO3 नॉन मेटल्स ते उन्हां दे कंपाउंड्स नूं भी ऑक्सीडाइज कर सकदा है। जिहड़ा HNO3 ते बेस्ड सब तो इंपॉर्टेंट टेस्ट है उन्हों आपां कहिंदे आ ब्राउन रिंग टेस्ट। ये एक्चुअली नाइट्रेट आयन्स दी मौजूदगी दे लई आपां टेस्ट करदे हैं। इन्दे विच की करदे हैं आपां कि कोई भी कंपाउंड दे विच जे नाइट्रेट रेडिकल है ना आपां उहदे च फेरस सल्फेट पा दिंदे हैं। फेरस सल्फेट दी टेंडेंसी हुंदी है कि उहने नाइट्रेट नूं रिड्यूस कर देना है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। जिहड़ा ये नाइट्रिक ऑक्साइड है फेरस सॉल्ट और वाटर दे नाल मिलके रिंग बनाएगा जिहड़ी कि ब्राउन कलर दी होएगी। ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इंदे च एक कंपलेक्स बनता है और अपीयरेंस ऑफ ब्राउन कलर जिहड़ी है वो कंफर्मेशन समझी जाती है भी नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ HNO3। जिहड़ा नाइट्रिक एसिड है ये काफी फर्टिलाइजर्स बनाने दे विच इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एचिंग ऑफ मेटल्स ते रॉकेट फ्यूल्स दे विच भी एज ऑक्सीडाइजर इनू इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस दियां एलोट्रॉपिक फॉर्म्स केड़ियां केड़ियां। फॉस्फोरस दियां तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंदियां वाइट, रेड ते ब्लैक। व्हाइट फॉस्फोरस एक ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड हुंदा है, जहरीला हुंदा है, नेरे दे विच चमकदा है ते पानी दे विच इनसॉल्युबल पर कार्बन डाइसल्फाइड दे विच सॉल्युबल हुंदा है। एयर दे विच इट कैचेस फायर टू गिव व्हाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। ये याद रखन वाली गल है कि इनू आपां व्हाइट फॉस्फोरस नूं वाटर च स्टोर करदे हैं ताकि एयर दे नाल रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस दे की प्रॉपर्टीज हुंदी है कि आयरन ग्रे कलर दी इंदी चमक हुंदी है, किसे तरह दी स्मेल नहीं हुंदी, ए नॉन पॉइजनस है, ए पानी दे विच भी नहीं घुलदा ते CS2 दे विच भी नहीं घुलदा। और व्हाइट फॉस्फोरस जड़ा है वो ग्लो करता है डार्क दे विच, पर रेड फॉस्फोरस डज नॉट ग्लो इन डार्क। जड़ा ब्लैक फॉस्फोरस है ये किवें बनता है, जो तो रेड फॉस्फोरस नु ही अंडर हाई प्रेशर हीट अप करते हैं। इन्हीं दो फॉर्म्स होंदी हैं अल्फा ब्लैक ते बीटा ब्लैक, डिपेंड करता है कि रेड फॉस्फोरस नु किवें हीट अप किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस दे एलोट्रॉप्स दी रिएक्टिविटी नु कंपेयर करना है। बेटा जिवें तुहानू दस्या ही है कि व्हाइट फॉस्फोरस जेड़ा ज्यादा रिएक्टिव हुंदा है ते रेड फॉस्फोरस कंपैरेटिवली घट रिएक्टिव हुंदा है। व्हाइट फॉस्फोरस एक्चुअली पी फोर यूनिट्स दी फॉर्म च एग्जिस्ट करदा है और इंदे च पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हुंदे है पी फोर यूनिट्स दे। हुण जे तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखोगे तां इंदे च इक तरह दा एंगुलर स्ट्रेन है, जिवें जबरदस्ती चार बॉन्ड्स नूं इकट्ठे कीता होया, चार फॉस्फोरस एटम्स नूं। तां इस एंगुलर स्ट्रेन नूं घटाउण वास्ते व्हाइट फॉस्फोरस ईजीली रिएक्ट कर जांदा है। इंदे च बॉन्ड एंगल बहुत स्मॉल हुंदा है, 60 डिग्री दा होण करके इह बहुत एंगुलर स्ट्रेन फेस करदा है, इसे करके बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुंदा है। नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोरस दा कंपाउंड फॉस्फीन। फॉस्फीन किवें प्रिपेयर की जाती है, कैल्शियम फॉस्फाइड दी वाटर नाल या HCl नाल रिएक्शन करवा दी जावे तां फॉस्फीन बन जाती है। फॉस्फीन दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज है वो की होंदी है कि एक तां इहदी फिश जैसी, सड़ी हुई फिश जैसी स्मेल हुंदी है और हाईली पॉइजनस हुंदी है,
दूसरा जो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे टच च आएगी ता इट विल एक्सप्लोड। तीसरी चीज है कि पानी च बहुत थोड़े कुल दी है एंड इट इज वीकली बेसिक। इनके जेडे यूजेस है वो होम सिग्नल और स्मोक स्क्रीन दे विच इनका इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि फॉस्फोरस दे ऑक्सो एसिड दे विचों फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइप्रोटिक बट H3PO3 फॉस्फोरस एसिड इज डायप्रोटिक। ट्राइप्रोटिक का मतलब होंदा है कि इनके जो तीन प्रोटोन निकलेंगे इस करके आपां इनू ट्राई बेसिक भी कह दिंदे ते फॉस्फोरस एसिड नू आपां डाई बेसिक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है क्यों? देखो पहला इन दोनों का आप स्ट्रक्चर कंपेयर करिए। जो H3PO4 है तो P डबल बॉन्ड O दोनों च ही है, H3 ये भी दोनों च है, O किन्ने है चार, एक एक तो इतने यूज हो गया, तीन इतने आ गए, इतने दो आ गए। सो इतने जो तीनों हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन के नाल अटैचड है बट इतने जी एक हाइड्रोजन है दिस इज डायरेक्टली अटैचड टू फॉस्फोरस जिस करके ए आयनाइजेबल नहीं होंगी, ए एज प्रोटोन रिमूव नहीं की जा सकती। इक्वेशंस देखो आप किवें लिखनी है बेटा, बहुत ही आसान है। H3PO4 दे विचो जे एक H पॉजिटिव निकल गया, प्रोटोन निकल गया तो वह प्रोटोन H2O ने कैच कर लिया, जिवें आप बॉल कैच करते हैं उवें H2O ने प्रोटोन कैच कर लिया तो H3O पॉजिटिव बन गया। पिछे की बचा जे इन्हें चो एक हाइड्रोजन निकल गई तो H2PO4-1 हुण इन्दे विच्चों दी ही फिर एक प्रोटोन निकल गया की बचा HPO4-2-, हुण इन्दे विच्चों फिर एक प्रोटोन निकल गया तो फॉस्फेट PO4-3-, ये बन जाएगा। पर दूजे पासे जे आप देखिए H3PO3 दे केस च इत्थे केवल दो प्रोटोन निकल पाते हैं, तीसरा प्रोटोन तो निकल ही नहीं पाता क्योंकि इट इज डायरेक्टली अटैच टू फॉस्फोरस, इट इज नॉन आयनाइजेबल। सो यह डाई बेसिक होएगा इन विच दो प्रोटोन निकले और यह ट्राई बेसिक होएगा इन विच तीन प्रोटोन निकले। सो आई होप बेटा कि ग्रुप 15 आपां काफी हद तक थॉरली कर लिया है, सारे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपां डिस्कस कर ले हैं। नोट्स उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चो ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।